नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल देसी फ्लेवर्स बाजारोसी में आपका स्वागत है। आज मैं क्यूकम्बर से, जिसे खीरा या काकड़ी भी कहते हैं, उससे एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। सभी ने खीरा खाया है अलग अलग तरीके से, जैसे सलाद हुआ, रायता हुआ, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ शायद ही किसी ने खाया होगा। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहले मैं इसे धो लेती हूँ। सभी खीरों को मैंने धो लिया है, अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ। कट करने का तरीका देख लीजिए। पहले हम ऊपर के हिस्से को ऐसे कट करके और ऐसे रब करेंगे, ताकि इसका कड़वापन जो रहता है वो निकल जाता है ऐसे करने से। फिर इसको साइड कर दूँगी, फिर दूसरे वाले के साथ भी दूसरा भी लूँगी, भी ऐसे रख करके फिर इसे भी काट के हटा दूंगी। अब मैं सभी को छील के काट लेती हूँ। सभी को मैंने छील के ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज करूँगी वो दिखाती हूँ। सबसे पहले फ़ौरन के लिए यूज करूँगी जीरा, लहसुन, सूखा मिर्च, उसके बाद टमाटर, धनिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। और मसाले के लिए मैंने ये पेस्ट तैयार किया है, इसमें सरसों और पोस्तो है, पीली वाली सरसों थोड़ी सी और पोस्तो थोड़ी सी है। साथ में कटी हुई प्याज डालूंगी, मैंने दो प्याज को टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। सबसे पहले जीरा, सूखी मिर्च, अब मैं इनमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब मैं इनमें खीरे को डाल दूंगी। थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैं इसमें नमक और हल्दी डाल लूँगी। नमक अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो इसमें इसे पानी छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद मैं नमक और हल्दी डालूंगी। अब मैं इसे ढक ढक के पकाऊंगी। थोड़ी देर में देख लेती हूँ, देखिए खीरे से कितना पानी छोड़ रहा है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। हल्दी, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था पोस्त और सरसों का, इसको डाल देती हूँ। साथ में थोड़ा सा सूखा मिर्च पाउडर। इस सब्जी को बनाने में हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि खीरे से इतना पानी छोड़ेगा कि ये इसमें खुद ही ये मिक्स होकर बन जाएगा, खुद से पानी नहीं मिलेगा इसमें। फिर से मैं इसको ढक देती हूँ, फिर से इसको चला लेती हूँ। अब मैं इसमें कटी हुई टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का पकाना है। ये तैयार हो चुकी है, थोड़ी देर पका के मैं इसको अब उतार दूंगी। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे, इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दूंगी,
अब इसको चला देती हूँ। अब हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी, देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता डेकोरेशन के लिए डाल देती हूँ। अगर आपने कभी ये सब्जी बनाया नहीं होगा तो ज़रूर बना के देखिएगा, खीरे का सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ।